स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65 के चार ऐसे हॉरिबल फैक्ट्स जो आपको इस एयर कूलर को खरीदने से पहले जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें कि आपको एयर कूलर खरीदना है या नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो चार हॉरिबल फैक्ट्स बताने वाला हूँ, वो कई अलग अलग कस्टमर्स के लिए, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो भी सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो सर्कुलर का है वो है इसको साफ़ करना, इसको क्लीनिंग करना इसकी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है उस वजह से इसको क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अंदर से इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको साफ़ करना। कुछ ये टाइम आपका एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेगा अगर आप इसे साफ़ करने जाएंगे, लेकिन कई बार कई सॉल्यूशंस का आप इस्तेमाल करके इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो सेकंड नंबर का फैक्ट आता है वो ये है कि कई कस्टमर्स का कहना है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। कई कस्टमर्स का ये कहना है कि इसका साइज़ काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें बाकी किसी डेजर्ट एयर कूलर से तो आपको ये एयर कूलर का जो साइज़ है वो काफ़ी सही लगेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके खुद की रूम साइज़ क्या है। अगर आपका रूम छोटा है तो शायद आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है इसको कैरी करना, या फिर आपको क्रॉस वेंटिलेशन तो वहाँ अच्छा होना ही चाहिए। तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें कि आपके रूम साइज़ कितना है। अगर मीडियम है उससे बड़ा है तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और दोस्तों, थर्ड नंबर का जो हम इस फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो इसकी क्रॉम्पटन आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि जब आप इस एयर कूलर को अगर आप वैसे ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो इसके अंदर 1 ईयर वारंटी इसके अंदर आती है, लेकिन इस जो एक जो क्रॉम्पटन ब्रांड है इसका, इसके जो सर्विस सेंटर्स हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदते हैं कहीं से मंगवाते हैं, तो शायद आपको इसको जो सर्विस सेंटर है वो आपके आसपास बहुत कम इसके सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं, तो शायद आपके पास अवेलेबल ना हो, तो ये वाली समस्या आपको रह सकती है। अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन भी इसकी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, तो उसमें भी आपका सही काम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके लास्ट फैक्ट के बारे में, तो वो है कि जब आप इस एयर कूलर को ख़रीद लेते हैं तो देखा गया है कि कई केसेस में इसको डिफेक्टिव निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इस एयर कूलर के बाकी किसी भी एयर कूलर के मुकाबले। तो आप जब भी इस एयर कूलर को खरीदें एक बार इसको ज़रूर पूरा चेक ज़रूर कर लें। अगर आप ऑफलाइन ख़रीद रहे हैं तब भी एक बार कुछ टाइम बाद इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको एक बार देख लें और फटाफट से रिप्लेस करवा लें। अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 दिन के अंदर आप इसे रिप्लेस करवा सकते हैं, प्लस 1 ईयर वारंटी तो इसमें अवेलेबल है ही, तो वैसा कोई इश्यूज़ इसमें नहीं है। अगर हम इसकी कूलिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि जितने भी कस्टमर्स हैं सबका यही कहना होता है कि इसकी जो कूलिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है, मतलब कूलिंग में अंदर कोई कमी नहीं है, यानी परफॉर्मेंस इस एयर कूलर की एक नंबर है। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ वहाँ रहती है वो यही है कि इसके अंदर डिफेक्टिव पीस तो लोगों को कई बार रिप्लेस कर रिटर्न करवाने पड़ते हैं और नया पीस वापस मंगवाना पड़ता है। तो यही इसके अंदर जो चार फैक्ट थे जो मैं आपको, तो दोस्तों ये थे इस एयर कूलर के बारे में 4 हॉरिबल फैक्ट्स। अब आप आइडिया लगा सकते हैं अपने हिसाब से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर, कि आपको एयर कूलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप भी कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर के कि आपको कौन सा एयर कूलर आपके हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि कई रूम साइज़ के हिसाब से डिफरेंट एयर कूलर्स आते हैं, तो अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं कि आपके एयर कूलर रूम साइज़ के हिसाब से कौन सा एयर कूलर सबसे बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फटाफट से इस पेज पर आ जाए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको इस पेज पर आना है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, अपना नाम डाल सकते हैं। आप यहाँ पर ये डाल सकते हैं कि आपको रूम एयर कूलर लेना है, डेजर्ट एयर कूलर लेना है, टॉप टावर, कौन सा एयर कूलर आप प्रेफरेंस में देख रहे हैं। आप अपना ब्रांड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, रूम साइज़ आप यहाँ पर डाल दें, अपने आसपास का जो आपका एवरेज टेम्परेचर रहता है वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं, वाटर टैंक कैपेसिटी आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ डाल सकते हैं, पावर कंजप्शन है, कौन कौन से फीचर्स आप इसमें देख रहे हैं, आपका जो बजट है जो सबसे मेन है वो यहाँ पर आप अपना बजट डाल सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर जो इसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है, ईमेल जिस नंबर पर आप चाहते हैं कि आपको आपके जो बेस्ट एयर कूलर है वो आपको जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, तो आप वहाँ पे ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी थॉट्स हैं किसी भी चीज़ को कन्फ्यूज़ हैं, तो आप वो यहाँ पर थॉट्स लिखकर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। कुछ ही देर में आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी एडवाइस मिल जाएगी एयर कूलर के बारे में, जो आपका काफ़ी हद तक आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर देगी और आप घर ले आ सकते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो आपको हर तरीके से आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, जिसकी वजह से आप अपने मनी को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे को लगता है मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दी है हर चीज़ के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।